अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, नासिक का फेमस सीख पाव रेसिपी। इस तरह हम पाव के साथ उसे सर्व करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 kg कीमा लिया है, उसे अच्छी तरह मशीन में मैंने 3 बार अच्छी तरह पीस कर ले के आई हूँ। उसे हम अच्छी तरह धोकर उसका पानी एकदम बहुत ही अच्छी तरह हम निथार लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। अब उसे मसाले ऐड करेंगे, 4 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच हरी मिर्च और 2 से 2.5 चम्मच लाल लहसुन की मिर्च। इसका भी वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच गरम मसाला और ये तंदूरी मसाला, एवरेस्ट का तंदूरी मसाला, ये 4 चम्मच। ये कोई भी किराना शॉप में आसानी से मिल जाता है। ये 2 नींबू का रस है, वो भी इसमें डाल देंगे। ये 2 मुट्ठी के करीब हरा धनिया और ये 3 से 4 प्याज, उसे मैंने चॉपर से चॉप करके उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया था, बिल्कुल सूखी चाहिए। अब उसमें हम ऐड करेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम 4 चम्मच बेसन का आटा डालेंगे, आटे से हमारे कबाब को बाइंडिंग आएंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरह उसे गूंद लिया है। अब उसे हम 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब उसके हम कबाब तैयार करेंगे। हम सीख से नहीं, हाथ से ही कबाब तैयार कर लेंगे, बिल्कुल सीख कबाब की तरह हम उसे तैयार करेंगे। आप चाहो तो पेंसिल की मदद से या सीख की मदद से भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह उसे तैयार कर रही हूँ। इसी तरह हम रोल बना लेंगे उसके। ये सीख पाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, इसी तरह हम हमारे सभी कबाब तैयार कर लेंगे। अब एक लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, अब उसमें हम हमारे कबाब को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे कबाब तैयार होंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किस तरह उसे फ्राई किया है, इसी तरह हम हमारे कबाब को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारे कबाब बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं, अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तैयार हो चुके हमारे सीख पाव, अभी हम उसे पाव के साथ सर्व करेंगे। अब हम पाव को लेंगे, बीच में से कट कर लेंगे। इसी तरह हम हमारे पाव को बीच से कट कर लेंगे। अब एक साइड हम हरी चटनी लगाएंगे और दूसरी साइड हम इमली की खट्टी मीठी चटनी लगा देंगे। अब उसके ऊपर हमारे सीख कबाब रख देंगे और ऊपर से प्याज और ककड़ी की स्लाइसेस, उसे बंद करके इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।